पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने नसीरुद्दीन शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में उसका पुतला फूंका और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। ज्ञापन में कहा गया कि जिस फिल्मकार नसीरुद्दीन शाह को देश ने इतना मान सम्मान और धन दौलत दी, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र पहचान दी, आज वही नसीरुद्दीन शाह ये कह रहे हैं कि भारत रहने लायक मुल्क नहीं है। नसीरुद्दीन शाह का ये कहना बड़ी शर्म की बात है। नसीरुद्दीन शाह ये बताएं कि यदि भारत रहने लायक मुल्क नहीं है तो यही बता दें कि दुनिया में 56 मुस्लिम मुल्क हैं, कौन से मुस्लिम मुल्क में भी मुसलमान सुरक्षित हैं? मुस्लिम मुल्कों में तो मुसलमान ही मुसलमान के हत्यारे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नसीरुद्दीन शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। सतीश धल, हिंदू प्रमुख, आज क्या प्रदर्शन आपके द्वारा यहाँ किया गया? ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि हमारे फिल्म स्टार हैं नसीरुद्दीन शाह जी, उन्होंने जो है ये कहा कि भारत रहने लायक मुल्क नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें मुसलमान सुरक्षित है पूरी दुनिया में, एक नाम हमें बता दीजिए। मुसलमान हिंदुस्तान में जब आज़ाद हुआ था तो 1 करोड़ थे, आज मुसलमान यहाँ 20 करोड़ हो गए, 50 लाख उनकी मस्जिदें बन गई हैं। इनके बयान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यही बयान दे दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है, इस तरीके का जो बयान लेकर इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, हम चाहते हैं कि नसीरुद्दीन शाह को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए।